ये वीडियो का पार्ट टू है कि फाहियान ने छोटा नागपुर को किस क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है। तो कुक्कट लाड, किस नाम से? कुक्कट लाड से। ठीक है, जब भी छोटा नागपुर शब्द का जिक्र होगा तो इससे आपको क्या समझना है कि यहाँ पर झारखंड की बात हो रही है। ठीक है, जहांगीर की अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो खोखरा या खुखरा। अभी यहाँ पर मैंने आपको पीछे बताया था, यहाँ पर देख लीजिए दो नाम है ना, कि मुगल काल में झारखंड के लिए किस शब्द का खुखरा या कुकरा। तो यहीं पर जो है ये जो तुजुक के जहांगीरी है, खुद ये जहांगीर की आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब ऐसी बुक जिसको राइटर ने खुद लिखा है। तो इसको जहाँ तुजुक के जहांगीरी को खुद जहांगीर ने, मुगल बादशाह थे, खुद इन्होंने ही लिखा है। तो यहाँ पर झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, झारखंड का मतलब क्या है? यही छोटा नागपुर का पठार। ये कि छोटा नागपुर के लिए तुजुक के जहांगीरी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? खोखरा। आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? कोकरा तथा खंकारा। ठीक है, दो नाम यहाँ पर है, कोकरा खंकारा। आदिमानों द्वारा निर्मित चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हजारीबाग के इसको से प्राप्त हुआ है। झारखंड के भवनाथपुर गढ़वा से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? ये इतिहास का एक जो है विभाजन है, ये ऐसा विभाजन है जब मनुष्य को ना लेखन कला का ज्ञान था और ना ही लिपि का उसे ज्ञान था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? तो जो भारतीय पुरातत्व के द्वारा आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, वहाँ पर असुर का शब्द का प्रयोग रांची, गुमला, लोहरदगा, ये तीन जिले हैं और इन तीन जिलों के लिए जो है असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, फड़ी मुकुट राय ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो फड़ी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य की स्थापना की थी। फणी, देखिए फणी अब ना फन होता है ना, फन, तो फन किसके पास होता है? नाग के पास होता है। तो फणी मुकुट से यहाँ पर रिलेट करके नागवंशी राज्य को आप याद कर सकते हैं। प्रथम नागवंशी राजा का क्या नाम था? फणी मुकुट राय। किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो फणी मुकुट राय को क्या माना जाता है? नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। और आगे देख लेते हैं, कुछ लाइन दी गई है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ एवं किस नाम से मिलता है? तो झारखंड शब्द का सबसे पहला उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है और किस नाम से? पुंड्र नाम से मिलता है। ठीक है, झारखंड का क्या नाम है? पुंड्र नाम है। फिर देखते हैं, अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो यहाँ पर क्या कहा गया है? इसको झारखंड कहा गया है। ठीक, ये एक चीज़ ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि अबुल फजल की रचना का क्या नाम है? अकबरनामा है।